हम सभी सीट जीत रहे हैं। चुरहट में चाहे मोदी आए या शाह, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहा नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने। एक दिन के अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने ताबड़तोड़ कई सभाएं की। इस दौरान उन्होंने घोघर की सभा में पूर्व पार्षद और बसपा के कई सदस्यों को पार्टी में शामिल किया। रीवा दर्शन से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। से पांच विधानसभा में घूम कर पांच की पांचों भारतीय जनता पार्टी के पास थी, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपको वहां पर क्या स्थितियां दिख रही हैं? 11 तारीख को पांच की पांचों कांग्रेस पार्टी की झोली में रहेंगे, ये महसूस कर रहा हूं। राहुल भैया जिंदाबाद। एक मिनट भाई, विंध की 30 सीटों पर किस तरह की स्थितियां बन रही कांग्रेस पार्टी की, क्या मानते हैं कितनी सीटें? जिस तरह से 2008 में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थी, उसी तरह इस बार कांग्रेस की स्थिति है। आंकड़े आप पता लगा लीजिए, 2008 में कितनी जीते थे वो, और उसी हिसाब से हम भी जीते। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज ने आपके क्षेत्र में वहां पर थे, आप भी उनके उसी विधानसभा में देवतालाब में थे जहां आज वो थे, तो आपको क्या लग रहा था कि आप यहां पर हैं और आपके क्षेत्र में वो थे, कैसे काम कर रहे हैं? देखिए, चुरहट गए थे, वो ऐसी तपोभूमि है जहाँ भारतीय जनता पार्टी का हर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दस्तक देने जाता है। राजनाथ सिंह आए थे, उन्होंने कहा था मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ। पता नहीं अमित शाह ने कहा या नहीं कहा, वो तो मुझे बाद में पता चलेगा, लेकिन कोई फर्क नहीं।